आप जब भी किसी बैंक एनबीएफसी का लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आपने देखा होगा रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके परेशान करते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं। आपके घर पे भी लगातार रिकवरी एजेंट आते रहते हैं। आप उससे पूरी तरीके से परेशान हो जाते हो, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो कौन सा रिकवरी एजेंट जेन्युइन है और कौन सा रिकवरी एजेंट फ्रॉड है। एक्चुअली क्या हुआ, रिसेंट में मेरे एक सब्सक्राइबर के घर पे रिकवरी एजेंट विजिट किया और रिकवरी एजेंट ने उससे ईएमआई ले ली, लेकिन ईएमआई जो है उसके अकाउंट में वो ऐड नहीं हुई। जब ऐड नहीं हुई तो काफ़ी कॉल्स उसके पास में आए कि भाई ऐसे ऐसे आपने ईएमआई पे नहीं की। बंदा कह रहा है मैंने ईएमआई पे कर दी, लेकिन क्या हुआ जो रिकवरी एजेंट था वो एक फ्रॉड व्यक्ति था और उससे वो लगभग 5,000 रुपये की ईएमआई लेकर के चला गया। पहले तो सब्सक्राइबर ने ये गलती कर दी कि उसने रिकवरी एजेंट को पैसा दे दिया। रिकवरी एजेंट को उसको पैसा नहीं देना चाहिए था, चाहे वो जेन्युइन रिकवरी एजेंट हो चाहे वो फ्रॉड रिकवरी एजेंट हो। देखिए जब भी आप एक से दो ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो उस केस में तो रिकवरी एजेंट का आने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जब आप 3 ईएमआई डिफॉल्ट कर देते हैं और आपका लोन अकाउंट एनपीए में कंसीडर हो जाता है तब जाकर के रिकवरी एजेंट बहुत ज़्यादा आपके घर पे आते हैं। अब आप ओरिजिनल रिकवरी एजेंट की पहचान कैसे करेंगे कि वो रिकवरी एजेंट जेन्युइन है भी या नहीं है, और आरबीआई इस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट्स कहता है कि रिकवरी एजेंट के पास में होने चाहिए। देखिए जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे विजिट करेगा वो आपको सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में आपके घर पे विजिट करेगा। उसके पास में जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक तो होम विजिट लेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा उसके पास में उसका आई कार्ड होना चाहिए और उसके पास में डीआरए का सर्टिफिकेशन होना चाहिए प्रॉपर। अगर ये डॉक्यूमेंट्स उसके पास में हैं तो वो एक जेन्युइन रिकवरी एजेंट है, उस पर आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास में इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो वो एक फेक रिकवरी एजेंट है, फर्जी रिकवरी एजेंट है, और अब आपको ऐसे फेक और फर्जी रिकवरी एजेंटों को पैसा नहीं देना है। मैं तो पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूंगा आप किसी भी बैंक एनबीएफसी से जब भी कोई लोन लेते हैं आप कोशिश करें उसको डिफॉल्ट ना करें। अगर इन फ्यूचर डिफॉल्ट हो भी जाता है तो आप किसी भी रिकवरी एजेंट के अकाउंट में पैसा या फिर उसकी यूपीआई आईडी में पैसा पर्सनली उसको पैसा ना दें। आप सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में जिस भी बैंक एनबीएफसी से आपने लोन लिया है उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर उस बैंक एनबीएफसी की ब्रांच में जाकर के पेमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। क्योंकि देखिए इन रिकवरी एजेंटों ने गुंडागर्दी फैला रखी है और कुछ ऐसे जो ठग लोग हैं वो भी डेटा कलेक्ट करते हैं और इस प्रकार की हरकत करते हैं, आपसे पैसा ले करके भाग जाते हैं। तो अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स किसी भी रिकवरी एजेंट के पास में हैं तो वो एक जेन्युइन रिकवरी एजेंट है। अगर इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास में नहीं है तो वो फ्रॉड है, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार उसको रिकवरी एजेंट नहीं माना जाएगा और वो सीधा पुलिस में जाएगा, उसकी आप कंप्लेंट करो, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। अब आपकी टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो गई होगी रिकवरी एजेंट को लेकर के, ठीक है ना। होम विजिट करने से पहले रिकवरी एजेंट के पास में ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो आपके घर पे आए तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर दिखाए, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक करें। कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के माध्यम से जरूर दें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है परेशानी है, अगर आप हमसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी अगर आप कोई कॉल रिकॉर्डिंग सेंड करना चाहते हैं रिकवरी एजेंट की जो आपको हरास कर रहा है जिससे कि हम पब्लिक में उसको दिखा सकें, या फिर आप कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं रिकवरी एजेंट की बदतमीजी की, तो वो भी आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आपको बेटर तरीके से हम एडवाइस भी कर देंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो आम जनता को भी दिखा देंगे किस तरीके से व्यक्तियों को रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं। क्योंकि दोबारा से हम अपने चैनल पर यह प्रोसेस कर रहे हैं जो आम जनता की प्रॉब्लम है उसको खुल करके दिखा रहे हैं, बैंक और एनबीएफसी रिलेटेड जो भी इश्यूज आपके हो रहे हैं। धन्यवाद।